दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो आपके मन में ये डाउट आता होगा कि वो आपस में क्या बात करते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में बात करते हैं या फिर आपका दोस्त है और किसी का गर्लफ्रेंड है या फिर किसी भी लोग आपस में बात करते हैं, जैसे आपके कोई रिलेटिव से कोई बात करता है, देन आपके मन में भी ये डाउट आता होगा कि काश उनकी बातें हम अपने फोन पे सुन पाते। तो फाइनली एक ऐसा ट्रिक आ चुका है जिसके तहत दो लोगों की बात अपने फोन पे इजीली सुन पाओगे। तो कैसे सुनना है उनकी बातें, आज के हम इस वीडियो में इसी टॉपिक की बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले बता दूं कि आप लोगों को मैं बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो पता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। अगर आप लोगों को ये ठीक अच्छा लगता है, अगर आप इससे देन आपको कोई फायदा होता है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये जो मैं तरीका बताने वाला हूं जिससे कि दो लोगों की बात अपने फोन पे सुन पाओगे, इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ ऐसा तरीका बताया जाए जिससे कि आप कुछ गलत काम करें। इसका मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सके कि कभी आपकी इसका जरूरत पड़ जाए कि दो लोग आपस में क्या बात कर रहे हो सुनना हो, तो इसके लिए इस तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम मान लेते हैं कि ये मेरा जीएप का फोन है, ठीक है, सपोज डेट, और ये किसी और का फोन है। इस फोन पे आने वाले सारे बातें को हम इस फोन पे सुनना है तो हम कैसे सुनेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा कि आपको बस एक मिनट से बस 30 सेकंड के लिए भी आपका जीएफ या आपका दोस्त या फिर आपके रिलेटिव का फोन लेना होगा। इस फोन का बात अगर आप इस पे सुनना चाहते हो तो जब ये फोन ले लोगे 30 सेकंड के लिए तो बस दूसरे का फोन लेना है जिसका बात अपने फोन पे सुनना चाहते हो। तो ज्यादा ना बस 30 सेकंड के लिए आपको फोन लेना है, और फोन लेने के बाद कौन सी सेटिंग करनी है और क्या करना है ये जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे और आगे का प्रोसेस हम बता देते हैं कि इस फोन पे आने वाली सारे बातें को हम अपने ये छोटे वाले फोन पे कैसे सुन पाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम मान लेते हैं ये जो फोन है ये हमारे जीएफ का फोन है, और इस फोन पे आने वाले सारे कॉल को हम सुनना चाहते हैं अपने छोटे वाले फोन पे। तो करना क्या होगा, हम अपने जीएफ फोन के सिंपली से डायलर में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद हमें सिंपली से डायल कर देना है *401*। ये डायल करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जिसपे कि इस फोन पे आने वाले सारे कॉल को सुनना चाहते हो। तो सिंपली से यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर को कर देते हैं इनपुट, और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो सिंपली से हम यहाँ पे रैंडमली कोई 10 नंबर यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये नंबर हम कर देते हैं इनपुट, और इसके ऊपर करते हैं हम क्लिक। जैसे हम इस पे करेंगे क्लिक तो ये जो नंबर सेव है और देखिए क्या आवाज आता है। वहाँ से हम एक वॉइस सुनाई दिया जिसमें ये बताया गया कि इस नंबर पे आने वाले सारे कॉल जो आपने नंबर डायल किए थे उस पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इस तरह से अब इस फोन पे जितना भी कॉल आएगा सारा का सारा फोन उस नंबर पे सुनाई देगा जिसमें मैंने इसको फॉरवर्ड किया है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो, ठीक है, जब आपने अपने दोस्त का या फिर जीएफ का अपने रिलेटिव का कॉल सुन लिया तो आप इसको चाहेंगे कि आप इसे हम कर दे बंद। तो बंद करने के लिए सिंपली से फिर से जाना है आपको अपने डायलर में, और यहाँ पे जाने के बाद आपको डायल करना है *402। यार आप जैसे ही ये डायल कर दोगे उसके बाद सिंपली से कर देना है कि कॉल के ऊपर क्लिक, या कॉल जिस सिम से आप किए थे उस टाइम उसी सिम से कीजिएगा। अगर आपका सिम आपके फ़ोन में अगर एक सिम कार्ड है तो वहाँ पे एक सिम कार्ड का ही ऑप्शन आएगा। तो सिंपली से हम जियो 4G के ऊपर करते हैं क्लिक और इसके ऊपर कर देते हैं, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिए कि उन्होंने कहा कि आपके नंबर पर जो कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट था उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आप इस पर जितने भी कॉल आएंगे इसी फ़ोन पे सुनाए जाएंगे, आप दूसरे नंबर पे ये कॉल नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जीएफ रिलेटिव या अपने फ्रेंड का फ़ोन अपने कॉल अपने मोबाइल पर सुन सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।